नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा, आतंकियों को हमले के लिए उकसाता रहा, परमाणु बम की धमकी से हिंदुस्तान को धमकाता रहा, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अब जो जवाब मिला है उसने इमरान की सांसें भारी कर दी हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पीओके को लेकर पाकिस्तान का जो डर था, उस डर पर हिंदुस्तान ने अब स्पष्टता की मुहर लगा दी है। साफ कह दिया है पाकिस्तान से कि जिसमें दम है वो रोके, हम लेके रहेंगे पीओके। कितना भी शोर मचा लो, टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज फाइट, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस, होनी न टाली जाएगी। पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। हम लेके रहेंगे पीओके, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। हुंकार न खाली जाएगी। इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। सब वक्त तुम्हारा बीत चुका। अब भारत की तैयारी, जो 2022 का पहले पीओके हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाएगा। ऐलान ये खुल्लम खुल्ला है, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब पीओके की बारी। नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पार्ट ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। दुनिया में कश्मीर का सफीर बन के जाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा। जलसा करो या मातम मनाओ, पीओके की फिक्र करो या 370 का गम मनाओ, जितनी ताकत जुटा सकते हो जुटा लो, जिस जिस चौखट पर नाक रगड़ना है रगड़ लो, लेकिन पीओके का मुकद्दर हिंदुस्तान ने तय कर दिया है। वो भारत का था, उसे भारत में मिलना है और वो भारत में मिलकर रहेगा। श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। This has always been and will always be very clear. POK is part of India and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. भारत की नीयत साम्राज्यवादी या विस्तारवादी कभी नहीं रही। उसने तो जंग में जीते हुए भूभागों को भी तत्काल लौटाया है, लेकिन जब जब दुश्मन ने भारत की सरहदें और अपनी हदें पार की हैं, तो ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन का इतिहास भूगोल सब बदल गया। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की हिमाकतों ने भारत को लगातार बार बार उकसाया, भारत खामोश रहा, लेकिन अब यह ऐलान भारत का है कि पीओके पर पाकिस्तानी साजिशों के दिन खत्म हुए, पीओके हमारा था और अब वो हमें वापस चाहिए। 30 साल तक उन्होंने आतंकवाद झेला है, अब किस तरह से शांति प्रक्रिया के जरिए उनको लाभ होता है उसको भी झेल लें एक बार, और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। हिंदुस्तान के जनरल की ये चेतावनी देश के रक्षा मंत्री के बयान का विस्तार है। किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। देश के रक्षा मंत्री का ये बयान देश के गृह मंत्री के मिशन कश्मीर का हिस्सा है। कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और देश के गृह मंत्री का ये मिशन प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की सौगंध है। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर भारत के लिए जमीन से ज्यादा जज्बात है। कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने उसी जज्बात को छेड़ने का दुस्साहस किया। उसने भारत को पीओके की जमीन पर खड़े होकर धमकी देने की जुर्रत की। जो ये कश्मीर में कर रहे हैं इसका रद्द अमल आएगा। हमेशा की तरह शुरुआत पाकिस्तान ने की, हमेशा की तरह खत्म भारत ही करेगा। वो सारी लकीरें अब मिटना तय हैं जिनकी वजह से कश्मीर के इमरान खान जितना सैर करना हो कर लें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान के पास रहने वाला नहीं, क्योंकि वहां की जनता ही बगावत पे उतर आई। अंदाजा तो इमरान खान को भी है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए जिस पीओके को उन्होंने आतंकवाद का अड्डा बना डाला था उसी पीओके की चिंता में वो दुबले होते जा रहे हैं। एक महीने में तीसरी बार पीओके की दौड़ लगाई है। कल तक जुबां पर कश्मीर कश्मीर की रट थी, आज पीओके में खड़े होकर पीओके पीओके कहते हुए जुबान नहीं सूख रही। पहले मुझे यूनाइटेड नेशन जाने दो, दुनिया की दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। तुमने किस कानून के तहत उन्हें पाबंद सलासल किया है? ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तानी हुकूमत है, ये वही पाकिस्तानी गुरूर है जो हिंदुस्तान की एक हुंकार से कांप उठा। दुनिया आज ये सवाल कर रही है। कल तक जो पाकिस्तान पीओके के लोगों को बराबर का शहरी होने का दर्जा देने में भी अपनी तौहीन समझता था, आज उसी पाकिस्तान का वजीर आजम उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी अंतिम कोशिश कर रहा है लोगों को भड़काने की, ताकि जब हिंदुस्तान पीओके की तरफ हाथ बढ़ाए तो पीओके के लोग उसके बहकावे में पीछे हट जाएं। पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पाकिस्तानी कश्मीर को, पाकिस्तानी कश्मीर को। लेकिन पीओके से उठती आवाजें पाकिस्तान और इमरान को वो आईना दिखा रही हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के किए गए दशकों के जुल्म नजर आते हैं। ये देखिए जी, पहला पुलिस की शेलिंग, जो एजेके पुलिस ने पहली शेलिंग शुरू कर दी, ये मोटरसाइकिल को आग लगा दी है, इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। मुजफ्फराबाद के जलसे में इमरान आंसू बहाकर चले गए, पीछे जो धूल रह गई उसमें पाकिस्तान का चेहरा मटमैला दिखता है। जिस भीड़ के सामने इमरान खोखली हिम्मत जुटा रहे हैं, वो भीड़ भी किराए की निकली। वो एबटाबाद से पश्तूनों को और रावलपिंडी से पंजाबियों को ट्रकों में भर भर के जो है मुजफ्फराबाद की तरफ लेके आ रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोगों ने, जिसको हम पीओके कहते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान के जलसे का बायकॉट किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के तारों से पीओके की घेराबंदी कर रखी है, सेना का बेढंगा मजमा लगा रखा है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है। दरअसल ये खौफ है हिंदुस्तान के बढ़ते गुस्से का, जिससे इमरान की हुकूमत सदमे में है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले ऐसा कि दुनिया के सामने इज्जत बची रह जाए, क्या करें ऐसा कि पाकिस्तान में कहीं मुंह छुपाने की जगह मिल जाए। I have to admit that things are really bad in Pakistan as far as the media is concerned. I have lived through many authoritarian regimes and I've lived through many periods of censorship and I've sometimes ended up paying the price for speaking up. But what is now happening is unprecedented. सच की आवाजें घोटने की कोशिश में पाकिस्तान खुद अपने बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से या तो आतंकवादियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, या फिर वो जो बेहद बचकाना और हल्की है। वजीर आजम इमरान खान के साथ कश्मीरियों की आवाज बनने का वक्त है। मैं मुजफ्फराबाद जाऊंगा, आप लोग भी आइए, हर आवाज जरूरी है। ये वही पाकिस्तानी हीरो हैं जो क्रिकेट खेलते हुए कभी अपनी सही सही उम्र नहीं बता पाए। ये वही हीरो हैं जिनका चचेरा भाई आतंकी था और कश्मीर में भारतीय सेना के हाथों जहन्नुम पहुंचाया गया था। बहरहाल
गाल पर थप्पड़ की तरह पड़ने वाला जवाब पाकिस्तान की तरफ से ही अफरीदी को दे दिया गया। अरे आप और आपके प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे श्रीनगर ही क्यों नहीं चले जाते? मुझे पूरा भरोसा है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोशिश तो कर ही लीजिए। चाहिए यही है कि पाकिस्तान के हाथों से पीओके खिसक रहा है। पीओके की आवाजें पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे को वहां से हटाने के लिए रोज बुलंद होती जा रही है। इमरान के पास छटपटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पीओके पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा कब तक रहेगा, ये सवाल भविष्य की गर्त में है। लेकिन पीओके जाएगा जरूर उसकी हाथों से, इसमें अब शायद ही। पीओके के हालात पाकिस्तानी सेना से संभल नहीं रहे। इमरान के मंत्री ने पहले ही गीदड़ भभकी दी कि अक्टूबर नवंबर में जंग हो सकती है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी हुंकार भर दी है, सरकार बस इशारा करे कश्मीर से पीओके को अलग करने वाली सारी लकीरों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। अभी तो जंग का आगाज भी नहीं हुआ और पाकिस्तानी सेना की ये हालत, अपने सैनिकों की लाशें ले जाने के लिए हिंदुस्तानी जवानों की बंदूकों के सामने शांति का सजदा करना पड़ गया। अगर वाकई जंग हुई तो सोचिए क्या होगा। पाकिस्तान को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस भी मोर्चे पर वो हिंदुस्तान की तरफ गर्दन घुमाएगा, ये तय है वो गर्दन धड़ से जुदा कर दी जाएगी। मैं तो सिर्फ यही चेतावनी देना चाहूंगा पाकिस्तान को कि ऐसी हरकत से दूर रहे, क्योंकि अगर इसी तरह की किसी तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हिंदुस्तानी जनरल का वादा है अपने देश से कि जब भी दिल्ली का इशारा होगा पीओके हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भारतीय सेना यूं तो हमेशा तैयार ही रहती है, लेकिन जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा सरफिरा कबीलाई मुल्क हो तो तैयारी और भी चौकस रखनी चाहिए। जंग की जरूरत जब भी पड़ेगी उस जंग के लिए हिंदुस्तान हर समय तैयार है। This has been told by the Honorable Defence Minister, this has been told by my Chief of Army Staff, this has been conveyed firmly by my Army Commander. And I again on behalf of Indian Army can confirm to you Pakistan Army will be taught a lesson which they would have never understood, probably better than 1971. शांति और जंग के लिए सदैव तत्पर रहने वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ बारूदी रिश्तों के चलते जिस तरह की तैयारी की है उसका अनुमान भी अगर पाकिस्तान को लग जाए तो शायद उसकी जुबान तालू से चिपक जाए और एक लफ्ज उसके मुंह से न निकले। In spite of grave provocations we must be seeing in the recent past also, we are not doing anything. But if somebody attacks you, we will give a reply to them which they will not be able to forget for the rest of their life. Ceasefire violation का जवाब देने के लिए, आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए, या कोई दुश्मन द्वारा अगर बैट अटेम्प्ट की जाती है उसको रोकने के लिए, कोई भी चुनौती हो हर समय आपने चुकन्ने रहना है। चीन के शह पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आर पार की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान की फौज हरदम तैयार, जिसकी झलक रोज सरहद पर पाकिस्तान की पिटाई के साथ नजर आती है। हिंदुस्तान जंग की पहल तो कभी नहीं करता है, लेकिन जंग हुई तो उसे निर्णायक अंत तक पहुंचाने के लिए उत्सुक जरूर है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।